ओम नमः शिवाय। घर में क्यों आ जाती है दरिद्रता, घोर दरिद्रता। जो भी साधक या साध्वी भगवान को ये चीज़ चढ़ाते हैं, उस घर में दरिद्रता बढ़ जाती है। तो इसलिए सभी महिलाएं और पुरुष कभी भी भगवान को ये चीज़ ना चढ़ाएं। भगवान को फूल इत्यादि चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जैसे कि अब सावन चल रहे हैं तो हम भोले बाबा को फूल चढ़ा सकते हैं और उन्हें चंदन इत्यादि से भी तैयार कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें करने से आपका कमाया हुआ मेहनत का धन घर में ही रहेगा और दरिद्रता दूर हो जाएगी। आज की ये छोटी सी और बहुत ही आवश्यक विधि को ध्यान से देखें, घर की दरिद्रता बिल्कुल ख़त्म करें। जब भी आप पूजा करने के लिए जाते हो, उस समय छोटी और आवश्यक बात का ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आपका अपना कोई भी ये गलती कर रहा हो तो उन्हें भी ये कार्य करने से मना करें। सबसे पहले जो हमारे पुराने साधक साध्वी हैं या जो हमारे नए साधक साध्वी हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वशीकरण में दरिद्रता दूर करने वाली चमत्कारी विधि पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मंदिर में पूजा कर रहे हो और गणेश भगवान की पूजा कर रहे हो, तो भगवान को कभी भी भूलकर तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। देखिए, आपको कभी भी ये तुलसी के पत्ते गणेश भगवान को नहीं चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता फैल जाएगी और आपका जो भी कमाया हुआ धन हो वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो माँ दुर्गा को दूबड़ा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दूबड़ा कभी भी माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आपके घर में दरिद्रता फैल जाएगी। माँ दुर्गा को हमेशा फूल ही चढ़ाएं और उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको चुन्नी उड़ा सकते हैं, उनको कभी भी दूबड़ा ना चढ़ाएं। ये छोटी सी चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक है, जिससे आपके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता फैल जाएगी, बढ़ जाएगी और आपका जो भी कमाया हुआ धन हो वो खर्च हो जाएगा, या किसी बीमारी में लगना या कर्जा चढ़ना, किसी भी तरीके से वो धन आपका ख़त्म हो जाएगा। को कभी भी गणेश भगवान जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने हैं और माँ दुर्गा को कभी भी आपको दूबड़ा नहीं चढ़ाना है। इस तरीके से आप फूल चढ़ा सकते हैं, भोले बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, गणपति जी को भी आप फूल चढ़ा सकते हैं। फूल किसी भी तरीके को हो आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, बस आपको तुलसी के पत्ते गणेश भगवान जी को और दूबड़ा माँ दुर्गा को नहीं चढ़ानी है। और मासिक धर्म के समय कोई भी महिला इस विधि को ना करें जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाते। ठीक होने के बाद आप इस विधि को भी कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। जितने भी जो भी हमारे साधक साध्वी हैं वो इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर भी DM कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।